हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले MSCIT ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनल एग्जाम। MSCIT की जो एग्जाम्स रहती है उसके ऑब्जेक्टिव्स फाइनल एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट आते हैं। वो हार्डवेयर और नेटवर्किंग से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, डैश इज अ सॉकेट फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द सिस्टम यूनिट। इसके लिए चार ऑप्शन है, पोर्ट, रोम, फ्लैश एंड रैम। इसमें से करेक्ट आंसर है पोर्ट। सो पोर्ट इज अ सॉकेट फॉर एक्सटर्नल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द सिस्टम यूनिट। और पोर्ट किस तरह से रहता है उसका इमेज यहाँ पे मैंने दिया है, PS2 पोर्ट्स यानी कीबोर्ड माउस के लिए कनेक्टेड। कीबोर्ड माउस हम लोग USB पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट के लिए इथरनेट पोर्ट्स। तो इस तरह से ये पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सीरियल पोर्ट है, VGA पोर्ट जो मॉनिटर का आउटपुट आता है, स्पीकर है, इन लाइन माइक्रोफोन आउट एंड इस तरह से। तो ये बैक पैनल है मदरबोर्ड का और ये पोर्ट रहते हैं जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम यूनिट से एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड माउस या फिर अदर डिवाइसेस, स्कैनर, वेब कैमरा, USB वेब कैम हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे अभी। बूटिंग इज द एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में ये आंसर है फॉल्स, क्योंकि बूटिंग जो एबिलिटी होती है वो है, बूटिंग मीन्स रिस्टार्ट। सो बूटिंग इज स्टार्टिंग एंड रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, इट इज नॉट लाइक दैट कि एक साथ ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करना है, ज़्यादा एप्लीकेशन रन करना। तो मोर देन वन एप्लीकेशन रन करना यानी मल्टीटास्किंग होता है। तो ये आंसर यहाँ पे फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्टोर इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैनॉट बी चेंज। इसके लिए ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, रैम, रोम एंड वर्चुअल मेमोरी। इसमें से इसका करेक्ट आंसर है रोम, क्योंकि रोम के अंदर जो डेटा रहता है वो चेंज नहीं होता है। रोम यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, रोम एक सिंगल चिप रहता है, रीड ओनली मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। और इसमें जो डेटा लोड रहता है वो डेटा चेंज नहीं होता है, अगर आपका पावर ऑफ रहे या ऑन रहे ये डेटा परमानेंट रहता है। बायोस एक एग्जांपल होता है रोम का, जो मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड रहता है। सो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट टॉगल की। ऑप्शन है कंट्रोल, नम लॉक, स्क्रोल लॉक एंड कैप्स लॉक। इसमें से करेक्ट आंसर है कंट्रोल। सो कंट्रोल ये टॉगल की नहीं है। अभी टॉगल की का मतलब क्या होता है मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। टॉगल की यानी कि ऐसे कीज जिसे ऑन और ऑफ होता है, तो उसमें टॉगल की है कैप्स लॉक, यहां पे दिखाई दे रहा है कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रोल लॉक, ये तीनों भी टॉगल की है। लेकिन कंट्रोल ये टॉगल की नहीं है, क्योंकि कंट्रोल ये ऑन और ऑफ नहीं होता है, ये कंट्रोल हम लोग कॉम्बिनेशन कीज में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फ्रॉम द टॉगल की, दैट इज कंट्रोल। प्राइमरी स्टोरेज इज वोलेटाइल। तो पहले समझना है हमें प्राइमरी स्टोरेज मतलब क्या होता है। प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम, एंड रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। सो रैम मीन्स टेम्पररी मेमोरी। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, देखो ट्रू और फॉल्स, तो इसमें से ये आंसर ट्रू रहेगा, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज इज वोलेटाइल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपको रैम की चिप दिखाई दे रही, ये चिप मदरबोर्ड के ऊपर जो सॉकेट रहता है रैम का, मेमोरी स्लॉट रहता है, उसके अंदर हम लोग इस चिप को इंसर्ट करते हैं। और ये रैम के अंदर टेम्पररी मेमोरी रहती है, हमेशा याद रखना है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि इसमें डेटा प्रोसेस वाली मेमोरी रहती है। जब तक पावर ऑन है तब तक इसके अंदर इंफॉर्मेशन लोकेटेड है, और पावर जैसे ऑफ होता है तो इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं रहता है। सो उसे हम लोग वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी वो प्राइमरी स्टोरेज है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन की ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस है रनिंग एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस। सो इसका आंसर है कि रनिंग एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस एंड मैनेजिंग रिसोर्सेस, ये तीन ऑप्शंस इसके करेक्ट है। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन था प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस, ये इसका आंसर नहीं। प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी हमारा विंडोज हमें यूजर को इंटरफेस देता है, विंडोज हमें दिखाई देता है। एप्लीकेशंस रन होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर विंडोज से स्टार्ट होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और हमारे सभी रिसोर्सेस इससे मैनेज होते हैं, मैनेजिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन यू ओपन अ डेटाबेस और क्रिएट अ न्यू वन, द नेम ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज अ टेबल्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स अपीयर इन द नेविगेशन पेन। इसका मतलब होता है जब आप एक्सेस स्टार्ट करते हो एमएस एक्सेस डेटाबेस, तो उसमें जो आप टेबल्स, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाते हैं वो टास्क पेन में यानी नेविगेशन पेन शो होते हैं। ये आंसर ट्रू और फॉल्स में आपका आंसर है ट्रू, और इस तरह से यहाँ पे विंडो दिखाई दे रहा है एक्सेस का आपको, और इसके अंदर आप नोटिस करोगे एक्सेस के अंदर तो यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल में यहाँ पे फॉर्म्स, टेबल्स एंड रिपोर्ट्स है, तो ये जो है एक्सेस के नेविगेशन पेन में शो होता है। तो ये आंसर यहाँ पे आपको करेक्ट है, ट्रू आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डैश यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, इसमें ऑप्शन है फाइल्स, मेनूज, आइकॉन्स, रिसाइकल बिन। इसमें करेक्ट आंसर है फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो आपके जो डेटा या प्रोग्राम्स हम जिसमें रखते हैं वो फाइल्स में रखते हैं। यहाँ पे आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्सेल, वर्ड या पीपीटी फाइल जिसमें हम लोग डेटा ज़्यादातर रखते हैं। तो प्रोग्राम्स रखने के लिए या डेटा रखने के लिए हम लोग फाइल्स का यूज करते हैं। बैकअप प्रोग्राम्स मेक कॉपीज ऑफ द फाइल टू बी यूज इन केस द ओरिजिनल फाइल्स आर डैमेज और लॉस। ये आंसर ट्रू और फॉल्स में ट्रू आंसर है। ये जो बैकअप प्रोग्राम्स रहते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, अगर हमारी कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है जिसका बैकअप हमने लेके रखा है प्रोग्राम्स के थ्रू, या बैकअप लेके रखने के बाद अगर ओरिजिनल फाइल हमारी डैमेज भी हो गई, तो बैकअप प्रोग्राम से हम लोग वो फाइल्स रिपीट देख सकते हैं। तो इसकी मदद से देख सकते हैं बैकअप प्रोग्राम एंड रिकवरी प्रोग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द इजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग द, ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। इन चारों ऑप्शंस में आंसर है माउस, क्योंकि माउस कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकता है स्क्रीन का। द इजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन मतलब इट कैन बी मूव एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, सो माउस इसका आंसर है। माउस आप विंडो में कहीं पे भी घुमा सकते हैं, तो ये आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटीवायरस इज द प्रोग्राम दैट गार्ड योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस। सो एंटीवायरस एक प्रोग्राम ऐसा है कि जो आपके कंप्यूटर को गार्ड यानी वायरस से बचाता है, तो ये आंसर ऑफकोर्स ट्रू है। एंटीवायरस प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कॉन्सेंट्रिक रिंग। ऑप्शन है ट्रैक, सेक्टर, एचडीडी एंड सिलेंडर। इसमें करेक्ट आंसर है ट्रैक। ट्रैक इज अ कॉन्सेंट्रिक रिंग। ट्रैक हार्ड डिस्क के ऊपर रहता है, और हार्ड डिस्क के ऊपर जो सर्कुलर पैटर्न रहता है उसके अंदर सर्कुलर शेप में, यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है सर्कुलर शेप में, तो ये इमेज में आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर शेप हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो ट्रैक, इसे ट्रैक हम कहते हैं। और ट्रैक एक कॉन्सेंट्रिक रिंग रहता है जिसके अंदर डेटा रिकॉर्ड होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो ये आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईच ट्रैक, जो अभी ट्रैक मैंने बताया आपको हार्ड डिस्क के बारे में, तो ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इंटू वेज शेप सेक्शन कॉल्ड। ऑप्शन है सेक्टर, स्लाइड, एच डी डी एंड सिलेंडर।
इसमें से करेक्ट आंसर है सेक्टर, क्योंकि जो ट्रैक रहता है सर्कुलर शेप में उसमें वेज शेप सेक्शन अगर आप निकालें, यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है वेज शेप सेक्शन, तो वो सेक्टर उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये याद रखना है आपको, हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा स्टोर ट्रैक में होता है और ट्रैक के ऊपर सेक्टर्स रहते हैं इस तरह से वेज शेप सेक्शन में, और उसी के अंदर ही डेटा लोड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डैश इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रैगमेंट्स एंड रीअरेंज फाइल्स एंड अनयूज डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ऐसे फाइल्स है जो कंप्यूटर में यूजफुल नहीं है या फ्रैगमेंट्स है, इधर उधर फैली हुई फाइल है, उसको रीअरेंज करने का काम ये प्रोग्राम क्या ये यूटिलिटी का है। तो उसमें ऑप्शन है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क रन एंड डिस्क फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, क्योंकि डीफ्रैगमेंट जो फ्रैगमेंट्स फाइल है उसको रीअरेंज करने का काम करता है, अननेसेसरी फाइल्स को एलिमिनेट्स करता है और प्रॉपरली रीअरेंज करने का काम यहाँ पे डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये यूटिलिटी करता है विंडोज की। तो आपको ये इमेज में यहाँ पे मैंने क्लियर में मेंशन किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर यूटिलिटी कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे फ्रैगमेंटेड फाइल्स जो रहती है वो इस तरह से यहाँ पे कलर में मेंशन हो रही है, आपको ब्राउन कलर में दिखाई दे रही है, एंड देन कंटिन्यूस फाइल ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, अनमूवेबल फाइल यानी ग्रीन कलर्स एंड फ्री स्पेस वाइट। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस फाइल अरेंज किया ट्रैक करने का काम है वो कंटिन्यूस फाइल यानी ब्लू कलर फाइल वो है ये यूटिलिटी का काम। तो फाइल ज़्यादातर कंटिन्यूस अरेंज करता है सो दैट आपके हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़ता है, ये यूटिलिटी यहाँ पे ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रॉसरी स्टोर्स यूज बारकोड स्कैनर्स टू रीड यूपीसीज ऑन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट के ऊपर, आपने बहुत सारे मेडिकल में गए रहेंगे आप तो देखा होगा प्रोडक्ट के ऊपर कोड रहते हैं, तो उसमें जो कोड रीड करने के लिए वो लोग स्कैनर का यूज करते हैं एंड दैट बारकोड स्कैनर। ये आंसर ट्रू है, बारकोड स्कैनर यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर का कोड इस तरह से रीड होता है, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स प्राइसेस सब कुछ उस कोड के अंदर रहता है एंड वो बारकोड स्कैनर के जरिए रीड किया जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑप्टिकल डिस्क यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हाई कैपेसिटी स्टोरेज। सो इसमें ये आंसर ट्रू है, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी एंड डीवीडी, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो सीडी एंड डीवीडी है ये पोर्टेबल टेक्नोलॉजी है जो डेटा स्टोर करने का। तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल डिस्क हम लोग इसे बोलते हैं और ये हाई कैपेसिटी डिस्क रहता है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। जैसे सीडी का कैपेसिटी 700 MB है और डीवीडी 4.7 GB तक स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग अभी। इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस। ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट व्हाट पीपल अंडरस्टैंड मींस इसमें क्या है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली। तो इसमें ट्रू और फॉल्स में ये आंसर है ट्रू, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं ये हमें पहले पता रहना चाहिए। ये यहाँ पे इमेज मैंने मेंशन किया, इनपुट डिवाइसेस ये है जॉयस्टिक, माउस, माइक, कैमरा, देन टच टैबलेट, पैड, स्कैनर, कीबोर्ड एंड हैंडहेल्ड स्कैनर। तो स्कैनर के जितने भी टाइप है वो सब इनपुट डिवाइसेस में आ जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करता है, हमारा डेटा हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट करता है जो हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऐसी लैंग्वेज में और वो मशीन के पास सेंड कर देता है, यानी कंप्यूटर्स प्रोसेस करता है उसमें सेंड कर देता है। सो ये आंसर यहाँ पे ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अभी। डैश यूटिलिटी आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम only when users allows the erase show। मतलब ये ऐसी यूटिलिटी है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर जरूरी नहीं है ऐसी फाइल या फिर बहुत दिनों से यूज नहीं की है सिस्टम ने ऐसी फाइल्स, आइडेंटिफाई करके उसे इरेज करता है या इरेज यूजर को इरेज करने के लिए अलाउ करता है। तो ऐसी कौन सी यूटिलिटी है, इसमें लिस्ट दी है डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क रन और डिस्क फॉर्मेट। इसमें ये आंसर करेक्ट है डिस्क क्लीनअप, ये यूटिलिटी हार्ड डिस्क में नॉन एसेंशियल फाइल आइडेंटिफाई करके
उसे रिमूव कर देता है। तो डिस्क क्लीनअप किस तरह से क्लीन कर रहा है, इसके एक इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है ना, कैलकुलेट करता है कि कौन सी फाइल वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं सिस्टम को, और वो फाइंड आउट करके उसे इरेज कर देता है, टेम्पररी फाइल से रिलेटेड सभी फाइल्स को इरेज कर देता है इस तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड जॉयस्टिक, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस कौन से ये हमें जानने पड़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, एंड देन प्लॉटर इज ऑल्सो इस टाइप ऑफ प्रिंटर। सो ये आउटपुट डिवाइसेस में आता है। तो जॉयस्टिक इससे हम लोग गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है, ये तो ये इनपुट डिवाइस है। सो ऑफकोर्स ये आउटपुट डिवाइसेस में इंक्लूड नहीं होगा। सो जॉयस्टिक इट इज इनपुट डिवाइस, सो इट इज नॉट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये यहाँ पे समझना है आपको इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। MICR कैन बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम चेक्स इन अ बैंक। सो बैंक के अंदर जो चेक्स का डेटा रहता है वो रीड होता है MICR की थ्रू, MICR के थ्रू। तो ये आंसर करेक्ट है। MICR का जो इमेज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे किस तरह से वो डेटा रीड कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो ये आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते अभी। ये आंसर ट्रू है। सो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। आपको आगे भी मैं ऑब्जेक्टिव्स इस चैनल पे देते रहूँगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगे हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आपको आगे भी ऑब्जेक्टिव्स का अलर्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब लर्न मोर चैनल फॉर मोर ऑब्जेक्टिव। फॉर क्वेरीज राइट मेल टू मी satishdhawale363@gmail.com। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में और MSCIT ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।